वैक्सीन लगा देना चाहिए था, उनकी मात्रा में उनका परसेंटेज सबसे कम है। हेल्थलाइन और फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी अब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ये सारे सवाल जो है वो महाराष्ट्र सरकार कभी जवाब नहीं दे पा रही है, और एक तरफ कोई और कोई राग गाता है, दूसरी तरफ कोई और राग गाता है। अब वही आज कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना पर प्रभावी रणनीति बनाने के लिए और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही 1 महीने के हिसाब से इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं। वहीं 4 बजे अमित शाह की एक अहम बैठक है गृह मंत्री की, जहां वैक्सीन पर अहम बैठक करेंगे। 1 मई से सबको वैक्सीन लगाने की जरूरत है। कई मंत्री और अधिकारी भी रहेंगे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन को लेकर और वैक्सीनेशन अवेयरनेस को लेकर यह मीटिंग होगी, जहां पर यह अहम बैठक 4 बजे होगी। 4 बजे वही वक्त है, अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। 4 बजे है जब से covid.gov.in इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी अब से 3 घंटे में अमित, और ये 18 से ऊपर हर किसी व्यक्ति के लिए होगी। और ये बात बहुत जरूरी है जानने के लिए कि कोई भी अब वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं कर सकेगा। 1 मई से आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप जाकर वैक्सीनेशन कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है ये वैक्सीनेशन की, और जो बहुत ही अहम प्रक्रिया है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और 3 घंटे बाद 4 बजे यह शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें शुरू होगी। तो पूरी तरीके से एक आम शख्स आए, कोवैक्सीन वेबसाइट पे जाए, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे, वैक्सीन उसको लगे और फिर उसके बाद आए, और थोड़े समय बाद उसकी दूसरी साइकिल भी पूरी हो। तो पूरी प्रक्रिया निर्विवाद रूप से जारी रहे, किसी भी तरीके कि कोई रुकावट इसमें ना आए, और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वो पूरे समन्वय के साथ काम करें। इसको लेकर अहम बैठक गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, और इसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा नागरिक उद्यान मंत्रालय के नुमाइंदे होंगे, IT मंत्रालय के लोग होंगे, गृह सचिव होंगे, स्वास्थ्य सचिव होंगे। तो कुल मिलाकर यही सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि अब चूंकि पूरे एज ग्रुप की संख्या भी बढ़ा दी गई है, एकाएक वैक्सीनेशन सेंटर पर दबाव बहुत ज्यादा होगा, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना आए, तो इसलिए बैठक करके सप्लाई लाइंस को तय करने की भी जरूरत है। एक तरफ यहां पर आप देख रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में जैसे जिस तरह की हालत है कि जिनको सेकेंड डोज चाहिए सीनियर सिटीजन को, उनको नहीं मिल रहा, 45 वर्ष की आयु के ऊपर जो है उनको तो सरकारी इसमें अभी भी सेंटर की तरफ से फ्री में वैक्सीन मिलना चाहिए। वैक्सीन की सप्लाई लाइंस को लेकर भी कई बार होगा, क्योंकि कुछ 50% जो है अब स्टेट्स प्रोक्योर करेंगे, बाकी जो है वो सेंटर प्रोवाइड करेगा। तो क्या इस पर भी काम होगा, इस पर भी बात होगी? गृह मंत्री जो है क्या स्टेट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कहां कहां पर कैसे वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन और डोसेज की जरूरत है, और इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा? अमित जी, बिल्कुल, एक पूरा खाका तैयार हो चुका है, और उस खाके को कैसे ज़मीन पर अमल में लाया जाए इस पर ये चर्चा होगी। और जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी, जाहिर सी बात है देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीन ख़त्म हो गई है, या फिर वैक्सीन मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर भीड़ नहीं है, वहाँ पर लोग लगवाने नहीं आ रहे हैं। तो एक दोहरी रणनीति के साथ पूरी ये काम किया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, लोग आएँ, लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, वैक्सीन लगवाएं, फिर वापस अपनी दूसरी साइकिल कंप्लीट करें। तो सारी चीजें ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है, हर पहलू पर चर्चा इसमें होगी, क्योंकि ये पहले चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से और भी ज्यादा विस्तृत और अहम प्रोग्राम है। बिल्कुल अहम भी है, और इसमें लोगों का उत्साह भी होगा, डिमांड भी होगी। कम से कम 14 से 15 करोड़ वैक्सीन डोसेस का बेस, उसकी सप्लाई लाइन की जरूरत है। अगर जिस तरह से डिमांड आएगा उसकी पूर्ति करनी है, तो अब मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करने के सिलसिले में मुंबई पुलिस ने एक नई रणनीति तैयार की है। शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति को काबू में करने के लिए और शहर के तमाम क्वारंटीन सेंटर की निगरानी के लिए रेड जोन एरिया में मुंबई पुलिस ने स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्तियां की हैं। पुलिस अफसरों के मुताबिक ऑफिसर्स डिपार्टमेंट से या डिपोटेशन पर बाहर से नियुक्त नहीं है, बल्कि हमारे बीच के ही सिविलियंस हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस के द्वारा स्पेशल पुलिस ऑफिसर इंचार्ज बनाया गया है, और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर वो पावर्स दी गई हैं जो किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास होती है। मुंबई पुलिस ने ऐसे करीब 1100 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की है। सबसे बड़ी गौरतलब बात यह है कि
मुंबई पुलिस ने इन 1100 स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। उनमें से कोई किराने की दुकान का मालिक है, कोई रसोईया है, कोई झाड़ लगाने वाला कर्मचारी है, झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी है। यही नहीं, कुछ तो बेहद ही पढ़े लिखे रसूखदार बिजनेसमैन भी हैं जो इस कोरोना काल में मुंबई की देखभाल करने के लिए आगे आए हैं। भर्ती किए गए सभी अफसरों को सॉफ्ट ट्रेनिंग और कानून की जानकारी भी दी जा रही है। इसके अलावा सभी का अतीत भी खंगाला गया है ताकि किसी अपराधी को अहम जिम्मेदारी देकर किसी तरह की फजीहत का सामना मुंबई पुलिस को ना करना पड़े। मुंबई पुलिस की तरफ से एक स्पेशल फोर्स तैयार की गई है, एक स्पेशल ऑफिसर्स तैयार किए गए हैं। ये जो लेटर आप देख रहे हैं ये स्पेशल ऑफिसर का प्रमाण पत्र है जिन्हें नियुक्त किया गया है खास तौर पे कंटेनमेंट जोन को हैंडल करने के लिए। और सबसे अहम बात ये कि ये लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ये जो शॉपिंग सेंटर आप देख रहे हैं ये स्पेशल ऑफिसर की दुकान है जहां से कंटेनमेंट जोन के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो सप्लाई की जाती हैं। और सबसे अहम बात ये कि ये पुलिस ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि आम लोगों के बीच में से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जिस विशेष पुलिस अधिकारी का ये प्रमाण पत्र है वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर असल में है क्या? जी, मेरा नाम देवराज गणेश वैद है। एक ऐसा है कि हमें लोगों की मदद के लिए दिया हुआ है, जैसे कंटेनमेंट जोन हम जिस ये आया उसके अगले दिन हम कंटेनमेंट जितने भी अपने एरिया में कंटेनमेंट जोन थे सब जगह जाके आए और उनको कुछ हेल्प चाहिए तो हमें जाना है वहाँ पर, उनके वहाँ से उन सिक्योरिटी वाले को नंबर दिए है, आपको कोई भी तकलीफ होती है हमें कॉल करो हम आ जाएंगे। राशन और किराना सामान तो हम वहाँ सप्लाई करते ही है, वो तो हमारा दुकान 10 साल से कर ही रहा है, लेकिन ये हमें जो गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ के DCP साहब जो डॉक्टर महेश्वर रेड्डी जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी लिए हम हर जगह पे हमने नंबर दिया है कि तुम्हें कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़े हमें कॉल करो, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक और कहा जाए तो इनोवेटिव मुहिम है ये विवेक मुंबई पुलिस की। ये 1100 लोग जो हैं इनको चुना कैसे गया है और इनकी खास जिम्मेदारियां क्या हैं? देखिए आनंद, बताना चाहेंगे कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुंबई पुलिस का है। इन्होंने उन लोगों को चुना है जो उन इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं उन इलाकों में। साथ ही साथ जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो ग्रॉसरी आइटम्स की जो शॉपकीपर्स हैं उनको सेलेक्ट किया गया है ताकि वो एक दूसरे के कनेक्ट में रहे। अगर किसी कोविड पेशेंट को जरूरत भी होती है तो आसानी से वो सामान वहाँ तक उनके घर तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर, अगर किसी अस्पताल में देखा जाता है कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं किसी पेशेंट की डेथ होने के बाद जो काफ़ी फैमिली काफी एग्रेसिव हो जाती है, तोड़फोड़ करती है, लॉ ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, यही वजह है कि ये लोग जो होते हैं वो मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, मुंबई पुलिस तुरंत वहाँ पे आके एक्शन लेगी ताकि लॉ ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर सके। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमने आपको बताया तो वैक्सीनेशन को सेंटर को लेकर काफी बड़ा मुद्दा है। देखिए किस तरीके से लोग परेशान है, लोग आ रहे हैं और उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आप लोग वैक्सीनेशन कराने आए हैं लेकिन वैक्सीनेशन तो खत्म हो चुकी है। अभी का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन अभी का है। हाँ। तो आपको कोई जानकारी नहीं दी किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं बोला। लेकिन ये तो सुबह से ही बंद है सेंटर, ऐसा कहते बोला ही नहीं, आपको मैसेज भी नहीं आया, मैसेज आना चाहिए। कोई मैसेज नहीं आया। तो देखिए कुछ और सीनियर सिटीजन है, मैम आप वैक्सीनेशन के लिए आई है? हाँ। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर तो बंद है, वैक्सीन खत्म हो चुकी है। पता नहीं, बोला तो है यहाँ चालू है। लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन आया, अपडेट इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ से किसी ने? नहीं, रात को आया था यहाँ पर है, लेकिन बाहर बोर्ड लगा दिया गया और ये सिक्योरिटी गार्ड से बोले सब वैक्सीनेशन खत्म है कि है, अभी पूरी खत्म हो गई है। तो आप लोग बाहर किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं करें? सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, इधर आइए। तो आप लोग बाहर किसी को बोल दें कि वैक्सीनेशन खत्म हो गया? यार सर, हमने बता दिए उनको, लिखा दिया बोर्ड पे, लिखा है पेशेंट गेट है, जो हमारा मेन वैक्सीन का गेट है वो बंद कर दिया ऑलरेडी, वहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ। ये पब्लिक सुनती नहीं सर, इनको बताता हूँ कि वैक्सीन खत्म हो गई है बट ये आ जाते हैं, इनके अभी ना इनको मना करो तो भी गलत और है तो को भी गलत। आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं? सेकंड डोज आपकी तो नहीं है अभी अवेलेबल? नहीं, आप जो आपको भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि वैक्सीनेशन खत्म आने के लिए अपॉइंटमेंट, आज आज का अपॉइंटमेंट दिया गया आने के लिए आज, लेकिन